तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन में जीमेल ऐप ओपन कर लेना है, ठीक है। जीमेल ऐप ओपन करना है और यहाँ जो ऊपर लोगो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐड अनदर अकाउंट और मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस, ठीक है। आपको ऐड अनदर अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके फ़ोन में पासवर्ड पूछे, उसे आपको डाल देना है। अब सिंपल यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी लिखने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ गूगल आपसे पासवर्ड पूछता है, तो अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे, लेकिन अगर आपको पासवर्ड थोड़ा बहुत कुछ याद है, आप उसे ट्राई करना चाहते हो तो पासवर्ड डाल दीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर पासवर्ड हमारा रॉन्ग बता रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। सिंपल यही करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नंबर पर एक कोड जाता है, ठीक है, नंबर वेरीफाई करने के लिए बोलता है, तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। नंबर लिखने के बाद सिंपल आपको सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके उसी वाले फ़ोन नंबर पर एक 6 डिजिट का कोड जाएगा, उसे यहाँ पर लिख देना है। कोड लिखने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है एन ईमेल विद अ वेरिफिकेशन कोड वाज जस्ट सेंड टू दिस ईमेल। मतलब दोस्तों जिस अकाउंट को हम रिकवर करना चाहते हैं उसी ईमेल अकाउंट पर हमारा 6 डिजिट वाला वेरिफिकेशन कोड जा रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि जब हमारे पास वो ईमेल लॉगिन ही नहीं है तो कोड कहाँ से मिलेगा। ज़्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप क्या करोगे, ट्राई अनदर वे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पर क्या लिख के आता है, कुड नॉट साइन यू इन। उसके नीचे जो लिखा है उसे आप पढ़िए क्या लिखा है, यू डोंट प्रोवाइड इनफ इन्फो फॉर गूगल टू बी श्योर डेट दिस अकाउंट इज रियली योर्स। गूगल आस्क फॉर दिस इन्फो टू कीप योर अकाउंट सिक्योर। इफ पॉसिबल ट्राई अगेन एंड यूज अ डिवाइस ऑन विच यू हैव साइन इन बिफोर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं दोस्तों कि जो आपका गूगल अकाउंट है, ठीक है, वो आप उस डिवाइस में ट्राई करिए जहाँ पर आपने पहले साइन कर रखा था। आप उतने ज़्यादा क्वेश्चनों के जवाब नहीं दे पा रहे हो जिससे गूगल को ये लगे कि ये गूगल अकाउंट आपका है। तो सिंपल गूगल अकाउंट हमसे क्या पूछ रहा है, एक तो पासवर्ड पूछ रहा है, दूसरा फ़ोन नंबर पूछ रहा है, तीसरा सेम ईमेल का वेरिफिकेशन कोड। जब आपके अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा होता है तो आपको 2 चीज़ें प्रोवाइड करानी पड़ती है। अभी हमारे पास सिर्फ फ़ोन नंबर है, पासवर्ड नहीं है और सेम ईमेल का वेरिफिकेशन कोड भी नहीं है। तो फिर आप अपने अकाउंट को कैसे रिकवर कर सकते हो, मैं बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों। इसी तरीके से हमने ना जाने कितने गूगल अकाउंट को रिकवर किया है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन में जहाँ से नोटिफिकेशन पैनल आता है वहाँ पर आपको क्या करना है कि नीचे आ जाना है। इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन ले आना, ठीक है। यहाँ पर आपको ढूंढना है लोकेशन का ऑप्शन। यहाँ पर आपके सामने लोकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टैप करके रखना, होल्ड करके रखना, ठीक है। इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है ऐप परमिशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है और देखना है अलाउड के नीचे क्या क्या ऑप्शन है। अगर इसमें आपको गूगल नहीं दिखाई दे रहा तो और नीचे आ जाइए, गूगल का ऑप्शन दिखेगा। गूगल वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर लिखा होगा अलाउ ऑल द टाइम, इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर इस पर क्लिक कर सकते हो अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप। इन दोनों में से किसी ऐप को सिलेक्ट कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि अलाउड ओनली व्हाइल इन यूजिंग ऐप में गूगल का ऑप्शन आ गया है। अब आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है और आपको अपना अपने फ़ोन में गूगल ऐप ओपन कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च करना है दोस्तों। क्या सर्च करना है, जीमेल अकाउंट रिकवरी। जब आप इसे सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाउ टू रिकवर योर गूगल अकाउंट और जीमेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ थोड़ा नीचे आओगे आपको देखने को मिलेगा फॉरगेट योर पासवर्ड।
उसके नीचे स्टेप वन लिख रखा है, फॉलो द स्टेप टू रिकवर योर गूगल अकाउंट और जीमेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे आपका रिकवरी पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिख देना है, जिस ईमेल अकाउंट को आप रिकवर करना चाहते हो उस ईमेल अकाउंट को यहाँ पर आप लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिए। यहाँ पर गूगल आपसे पासवर्ड पूछता है। अब देखो हमें पासवर्ड नहीं याद है तो हम क्या करते हैं, ट्राई अनदर वे पर क्लिक करते हैं। ठीक है, जब हम ट्राई अनदर वे पर क्लिक करते हैं तो फिर से फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन आता है, तो हमें फिर से फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेना है। करने के बाद आपको सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए, इसी तरीके से आपका गूगल अकाउंट रिकवर होगा जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या क्या स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ आपके फ़ोन नंबर पर कोड आ जाएगा, 6 डिजिट का कोड आएगा, तो उस कोड को यहाँ पर आपको लिख लेना है 1928 85। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर से वही इंटरफेस आ रहा है। क्या लिखे आ रहा है, एन ईमेल विद अ वेरीफिकेशन कोड वॉज जस्ट सेंड टू दिस ईमेल। जिस ईमेल अकाउंट को हम रिकवर कर रहे हैं उसी सेम ईमेल अकाउंट पर हमारा वेरीफिकेशन कोड जा रहा है, तो वो कोड नहीं मिलेगा। आपको ट्राई अनदर वे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से वही लिख के आ रहा है। जब यहाँ पर फिर से वही लिख के आना है आ रहा है तो अब आपको क्या करना है, मेन चीज़ अब जो ज़रूरी है दोस्तों, इसे बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर नहीं देखा आपने इससे पहले वीडियो, अगर आगे की वीडियो आपने स्किप कर दिया तो जाके पहले उसे देखो, फिर इसे ट्राई करना जब भी आपका अकाउंट रिकवर होगा। नहीं करोगे ट्राई तो आपका अकाउंट रिकवर नहीं होने वाला। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन में मैप वाला ऐप ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैप वाला ऐप ओपन कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से आपका मैप आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो ये वाला दिख रहा है, सर्कल वाला जो दिख रहा है, जो जूम होता है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका करंट लोकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर इसे मैंने ब्लर इसलिए कर रखा क्योंकि ये पर्सनल डिटेल है, इसे नहीं दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिंपल इसी पे क्लिक करना, आपका जो करंट लोकेशन वो आ जाएगा। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपने करंट लोकेशन पे नहीं हो, करंट लोकेशन मतलब ये कि जहाँ पर आप अपने गूगल अकाउंट को बहुत ज़्यादा बार यूज किया हो, बहुत ज़्यादा समय तक यूज किया हो। मान लो कि आपका जो गूगल अकाउंट है वो पिछले 5 साल से आप चला रहे हो, ठीक है, पिछले 5 साल से चला रहे हो, और 3 साल ऐसा है कि आपने 3 साल मोस्टली दिल्ली में यूज़ किया और बाकी के 2 साल आपने मुंबई में यूज़ किया, तो 3 साल सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 2 साल के हिसाब से 3 साल ज़्यादा। तो आपको दिल्ली में उसी लोकेशन पे ही ट्राई करना है, ठीक है, जहाँ पे आपने अपने गूगल अकाउंट को ज़्यादा यूज किया वहीं पर ट्राई करना है, ठीक है, वहाँ पर जाकर ये प्रोसेस करना है। तो अब आपको क्या करना है, ये इतना कर लिया। अब यहाँ पर जो ऊपर लोगो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पे जब क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपका जो फ़ोन है उसे एक हॉटस्पॉट वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। अब किस वाईफाई से कनेक्ट करना है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कभी किसी वाईफाई से या किसी फ़ोन के हॉटस्पॉट से पहले जिस टाइम उस गूगल अकाउंट को यूज़ किया है, उस टाइम जिसे यूज किया है ना, जिससे भी यूज़ किया कनेक्ट करके, वो वाले वाईफाई को आपको कनेक्ट करना है। तो सिंपल यहाँ से हम अपने वाईफाई को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से हमने वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हो वाईफाई हमने ऑन कर दिया, ये थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से हम चाहे तो इंटरनेट बंद कर सकते हैं, ठीक है, वाईफाई कनेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ईमेल आईडी दिख रहा है उसके साइड में एक छोटा एरो दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है, बिल्कुल नीचे आओगे, यहाँ पर क्या लिखा है, बिल्कुल नीचे भी नहीं ऊपर ही है कि ऐड अनदर अकाउंट और मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस। आपको ऐड अनदर अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपके फ़ोन में हो सकता है पासवर्ड पूछे, आपको पासवर्ड डाल देना है। अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिखनी है जिस ईमेल आईडी को आप रिकवर करना चाहते हो, तो सिंपल हम क्या करेंगे उस ईमेल आईडी को लिख देंगे। ईमेल आईडी लिखने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर गूगल हमसे पासवर्ड पूछता है। अब सिंपल सी बात कि हमें पासवर्ड याद नहीं है, जैसे अगर आप फिर भी पासवर्ड ट्राई करना चाहते हो तो कोई पासवर्ड डाल के आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, पासवर्ड रॉन्ग होता है तो रॉन्ग लिख के आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। जब आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे तो वही इंटरफेस आएगा, कौन सा, फ़ोन नंबर वाला। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। जब आप वेट करोगे यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके फ़ोन नंबर पर फिर से 6 डिजिट वाला कोड जाएगा,
कोड यहाँ पर आपको लिखना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से वही इंटरफेस आ रहा है कि सेम ईमेल पर ओटीपी भेज रहा है, जिस ईमेल अकाउंट को हम रिकवर करना चाहते हैं उसी सेम ईमेल पर ओटीपी भेजता है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा आपको ट्राई अनदर वे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक कर तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों क्या लिखा है, हाउ कैन गूगल कॉन्टेक्ट यू। अगर ये ऑप्शन आपके गूगल अकाउंट रिकवरी करते टाइम आ गया तो समझ जाइए कि आपका अकाउंट 100% रिकवर हो जाएगा। अगर यहाँ से आपने कोई मिस्टेक नहीं किया तो आपका अकाउंट 100% रिकवर हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन में, अगर आपके अकाउंट में ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो भी आप परेशान मत होइए, मैं आपको और दूसरा भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो अब जिनके फ़ोन में ये ऑप्शन आ गया उन्हें क्या करना है कि यहाँ पर एक ईमेल आईडी लिखना है। कौन सी ईमेल आईडी लिखनी है, जो ईमेल आईडी आपके फ़ोन में अभी लॉगिन है, ठीक है, जो ईमेल आईडी अभी आपके फ़ोन में लॉगिन है वो ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना है। तो सिंपल सा हम उसी ईमेल आईडी को लिखेंगे। ईमेल आईडी लिखने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपने ईमेल आईडी दिया है, कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी दिया है, उस पर एक 6 डिजिट का कोड जाएगा। किस प्रकार का कोड जाएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का ये कोड आएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो कोड है 2884, ठीक है, इसे यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर क्या लिखना है, 2884। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है कि 48 घंटे के बाद, जी दोस्तों 48 घंटे के बाद, यहाँ पर आपको 48 घंटे तक वेट करना है। 48 घंटे के बाद आपके पास एक लिंक आएगा और उस लिंक से आप क्या कर सकते हो दोस्तों कि आप अपने ईमेल अकाउंट का एक नया पासवर्ड बना सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपके गूगल अकाउंट में 2-स्टेप वेरीफिकेशन लगा होता तो आपको 2 बार वेरीफाई करना होता है दो चीज़ों। तो आपके पास फ़ोन नंबर पहले से ही है और पासवर्ड आप नया बना लोगे 48 घंटे के बाद। जब दो चीज़ें हो जाएगा तो आप अपने अकाउंट को बहुत ही आसानी से रिकवर कर पाओगे दोस्तों। अगर फिर भी आपका अकाउंट रिकवर नहीं हो रहा इस तरीके से तो एक और वीडियो लाने वाला हूं जो कि इससे एडवांस वीडियो होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको वेट करना होगा क्योंकि उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।